हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज सवेरे जो है ड्यूटी, सवेरे 8 बजे लग गया समझो। कपिल 8 बजे जाओ करके बोला, तो अभी मैं जरा 9 बज रहा, तो आर्थोबेटिक करके एक ये है, तो वहाँ पे जाएंगे उस दुकान में जाके उसको एक मतलब के हड जो होता ना हड, तो चेक करने का है। ठीक है, मेडिकल का जैसा एक फार्मेसी है वो भी, तो वहां जाके लेके आकर देंगे। ठीक है, 8 बजे खुलता भी नहीं, मैं गूगल में जब चेक किया 10 बजे दुकान बता रहा था, इसीलिए अभी जा रहा हूँ मैं। 9:15 हो गया गाइस। और एक बात है ना, वीडियो जो है ये जो इंट्रो दे रहा हूँ आज, ये इंट्रो आके पहले ही मैं ले लिया था, मतलब के एडिट करने लगा तो वीडियो देखा तो वीडियो लेके ही ना ऐसा ही बोल के हूँ समझा, इसीलिए फिर वापस से दोबारा बना रहा हूँ। तो चलो गाइस, चलते हैं सीधा आर्थोपेडिक की दुकान को। और आज उत्तराखंड से ड्यूटी भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन लोगों को अभी मदरसा छुट्टी भी है, मदरसा स्कूल टोटल पूरा छुट्टी दे दिया। ठीक है, जाके आने के बाद क्या होता वो देखेंगे। ठीक है, चलो गाइस। गाइस, थोड़ा बहुत आज सऊदी अरब रियाध में थोड़ा बहुत धूप निकल गया आज, नहीं तो माहौल ऐसा है कि ठंडी के इसमें इतनी धूप भी नजर नहीं आती सब। आज थोड़ा बहुत धूप भी निकल गया है। और ट्रैफिक क्यों नहीं है बोले तो मदरसा नहीं है, पता नहीं किस चीज़ के लिए छुट्टी इन लोगों को। ठंडी रहा तो छुट्टी रहती है, तो स्कूल मदरसा यानी स्कूल के लिए और जामा के लिए, स्कूल कॉलेजेस जो भी रहता इधर, इनको ठंडी रही तो छुट्टी मिलती और धूप रही तो छुट्टी मिलती स्टार्टिंग में, हर चीज़ के लिए जो इन लोगों को छुट्टी मिलती भाई। अगर ऐसा इंडिया में अगर मिल गया ना, बहुत खुशी से बच्चे जो है हमारे इंडिया के लोग जो लोग रहते हैं बहुत खुशी से पढ़ते हैं। ट्रैफिक भी ऐसा कुछ भी नहीं है, 90 का रोड है अबू बकर, 90 से स्पीड हम लोग जा नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो है अबू बकर किस चीज़ के लिए आते हैं, अबू बकर में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, इस वजह से जो है सब लोग इसी रूट से जाते हैं कभी भी। इसमें एक फायदा है, क्या बोले तो कभी भी तकरीबन एक 25-30 किलोमीटर सिग्नल नहीं मिलता है, इस वजह से सब लोग जो है इसी रोड से जाते सब लोग। ये ब्रिज देखो कैसा बना, रात में इस ब्रिज के अंदर जो ये बनाया गया डिजाइन, इसमें लाइटिंग भी दिया गया, बहुत खूबसूरत नजर आता है इधर। और एक तो अबू बकर पूरा रोड राइट टर्न जितना भी जो भी पोल नजर आ रहा था बीच में सेंटर में, तो यहाँ पे पूरा रोड में कैमरा, हर एक किलोमीटर पे कैमरा है, एक एक किलोमीटर के अंदर कैमरा, एक गया फिर वापस एक आ रहा देख लो लेफ्ट साइड में, फिर इसके बाद में थोड़ा और आगे जाओ और एक आएगा, और बीच बीच में कैमरा आते रहेगा। तो क्या है इधर पे मेन बात है, कैमरा बहुत है इस रोड में, और एक स्पीड लिमिट का कैमरा अलग है वो ये बाजू में राइट साइड में। इतना कैमरा रहने के बावजूद भी सऊदी इतनी स्पीड गाड़ी चलाता है, इन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना इस वजह से। तो चलो गाइस, हम लोग आ गए आर्थोपेडिक शॉप में, देखेंगे। ठीक है, देखते रहो आपके स्क्रीन पर जो आ रहा अरब ब्लॉग्स चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। ठीक है, देखो गाइस अंदर आया था, ये जो है आर्थोपेडिक का ये है। ठीक है, ये एक लेने के लिए आया था समझो, ले लिए ये। चलो अभी हम लोग 45 रियाल का हो गया, ये हम लोग को अभी जाना पड़ेगा। ये आदमी है देखो, ये दुकान है पूरा नजर आ रहा, जो भी है चेयर हो गया व्हील सब कुछ मिलता है इधर पर। बहुत टाइम इंतज़ार हुआ भाई, बहुत टाइम तक इंतज़ार करवाया आदमी है, तकरीबन हाफ आधे घंटे से जो है इंतज़ार कर लेके बैठा था, इसके बाद में दुकान जो है ओपन किया अभी, तो ले लिए। चलो अभी जाएंगे यहाँ से इधर जो है पहुँचा के, और कुछ पैसा है उसका, वो पैसा भी चेंज करा के देना पड़ता, तो चेंज करा के जाएंगे। गाइस वहाँ से निकल के सीधा अभी जो है नाश्ते के लिए जा रहा हूँ, नाश्ता कर लेंगे, भूख लग रही है सवेरे 10:30 बज गया, नाश्ता कर लेके जो है लेके जाके देंगे कपिल। ठीक है, चलो आया मैं होटल पर, देखो गाइस आ गया नाश्ता, आज ये छोटा डोसा है। ठीक है, डोसा खा के आपको मिलता हूँ गाइस। चलो अभी जो है जाके देखे तो आ गया, अभी जाके थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश होके वापस से आप लोगों को मिलता हूँ। खान साहब रहे तो खान साहब से आज मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते रहो आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है अरब ब्लॉग चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर जरूर। देखिए आप लोग जाके आर्थोपेडिक को जाके आया, बस उतना ही काम था और कुछ काम लगा ही नहीं मेरे को,
कुछ भी काम नहीं लगा समझो, एक भी काम नहीं आया, शाम तक हो गया, कुछ भी काम तो आया ही नहीं। तो कैसे ऐसा कभी कभार जो है ड्राइवरिंग में जो कोई भी आता तो बहुत सारे घर के घर में जो काम करता समझो उन लोगों को थोड़ा बहुत काम रहता बस। क्या इन लोगों को क्या है, बस सामान खरीद के लेके आके देना, ऐसे भी घर है खाली बस सामान खरीद के लेके आके देना और कुछ भी नहीं, इधर इनको घुमाना घिमाना कुछ नहीं करना, क्योंकि ये खुद जाते हैं, इनके पास कार रहती है, ये खुद चले जाते हैं। तो इस वजह से जो है ड्राइवर खाली बस इस चीज के लिए रखते हैं ये लोग घर पे, बस सामान लेके आके देना या बच्चों को मदरसा लेके जाना लेके आना उतना ही काम। क्योंकि इन लोगों को 1500-2000 रियाल भी अगर होगा ना तो इन लोगों को बड़ा पैसा नहीं लगता। 2000 रियाल बोले तो भी इंडिया का 40,000 होता, 1500 बोले तो भी 35,000 होता। तो इस चीज की वजह से क्या है इन लोगों को ये चीज बड़ा पैसा नहीं, इनकी पगार जो होती है 1-1 लाख रियाल, 50,000 रियाल, ऐसे इन लोगों की पगार होती है। इसीलिए ये लोग जो है कुछ भी फायदा नहीं, बस ऐसा रखते है। तो मेरे घर पे क्या था, पहले हर चीज के लिए मेरे को इस्तेमाल करते थे, मतलब मैं हर चीज के लिए, क्योंकि जब मेरे कपिल के घर पे गाड़ी कुछ भी नहीं था, समझो गाड़ियां कुछ भी नहीं थे। तो अभी अभी गाड़ी आ गई 1 साल से, तो उससे पहले गाड़ी कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से इस साल से मेरे को कुछ उतना खास ड्यूटी भी नहीं है। और मेरे घर में जो और एक बात, अभी मेरे बात जो है इसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कपिल से बात हुई हुई है ये चीज के बारे में, बात भी कर लिया मैं वही, तो मैं जाने के बाद क्या नहीं मेरे को अभी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। दो लड़कियां गाड़ी चलाते, ये गाड़ी एक बड़ी गाड़ी ले लेगी, वो छोटी तो अब एक दूसरी जो उसकी गाड़ी वो खुद चला लेगी, ठीक है। तो अभी बचे तीसरी अभी बहुत छोटी है, तो वो जब थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी वो भी चलाना सीख लेगी। वो क्या मेरी मैडम बस माँ के घर जाती, ठीक है, किधर भी घूमती भी नहीं, अगर गई तो लड़कियों के साथ ही जाती, तो मेरे साथ आना जाना बंद है। पर रहेगा तो मदरसे का काम रहेगा, जो मदरसा स्कूल जो छोटे जो दोनों बच्चे जाते उन लोगों को कोई भी गाड़ी जो है किधर पे रहते ना किराया मानने वाले लोग, उनको 500 रियाल दे दिया तो भी लेके जाता लेके आ जाता, बस ये सिस्टम है। कपिल से बात हुई है तो इसीलिए आज भी ये जो है, कल मैं बाहर ही नहीं आया समझो, रूम से बाहर ही नहीं आया, थोड़ा बहुत सो गया था, इसीलिए जो है वीडियो कल एंड भी नहीं किया। वो वीडियो जो है आज मैं दूसरे दिन जो है ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। आज का वीडियो जो है कैसे लगा आप लोग बताओ, ठीक है, अगर कुछ भी अगर जानना है तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है अरब ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का वीडियो जो है उतना खास नहीं रहेगा, तो आप लोग मेरे लिए सपोर्ट करो जो कोई बात करता। तो आज का वीडियो इधर ही एंड करेंगे, ठीक है। मां सलामा, फिर मिलेंगे कल लेटेस्ट नए ब्लॉग में। मां सलामा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। कल का जो वीडियो है अल स्वादी शॉप गया हूँ, माशाल्लाह जबरदस्त व्लॉग रहेगा, कल का जरूर देखना, ठीक है। चलो मां सलामा, बाय।